अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केंद्रीय विश्वविद्यालय शाहपुर इकाई ने स्थायी परिसर के जल्द निर्माण हेतु एवं अस्थायी परिसरों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में नाकाम रही। प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। पिछले कई दिनों से चले विद्यार्थी परिषद के इस आंदोलन ने आज एक नया मोड़ देखा है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शाहपुर परिसर में बैंस लाकर सबको चौंकाते हुए बैंस के सामने बीन बजाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे छात्रों के बीच से ये खबर फैली, सभी अपनी कक्षाओं को छोड़कर इस प्रदर्शन में शामिल होने लग पड़े। सीयू के स्थायी कैंपस निर्माण की मांग को लेकर एबीवीपी ने सीयूबीसी ऑफिस के बाहर भैंस के आगे बीन बजाकर रोष जताया। एबीवीपी का आरोप है कि सरकार सीयू में सुविधाएं नहीं दे पा रही है और स्थायी कैंपस को लेकर उन्हें प्रदर्शन करना पड़ा है। एबीवीपी के जिला कांगड़ा संयोजक अभी राणा ने कहा कि स्थायी कैंपस निर्माण को लेकर प्रदेश सरकार के लापरवाह रवैये के चलते उन्हें आज भैंस के आगे बीन बजाने का प्रदर्शन करना पड़ा। केंद्र और प्रदेश सरकार अभी भी गंभीर नहीं हुई तो आगामी दिनों में एबीवीपी उग्र आंदोलन करेगी। इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत विद्यार्थी परिषद इसलिए पड़ी है क्योंकि जो हमारे प्रदेश की सरकार जिस तरह से इस ढीली व्यवस्था के साथ कार्य कर रही है, जिस तरह से 2009 से लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा लटका हुआ है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, उन्होंने इस मुद्दे को एक राजनीतिक अखाड़ा के रूप में बदल दिया है। और आज नहीं, हम 2009 से ही विभिन्न विभिन्न तरह के यहाँ पर धरने प्रदर्शन करते आए हैं, चाहे वो भूख हड़ताल रही चाहे हमारी रैली रही, पर इस प्रदेश सरकार की कान में हम देखते हैं कि एक जू का भी रेड करने का नाम नहीं लेती है। हम देखते आ रहे हैं कि हम पिछले दिनों भी भूख हड़ताल पर बैठे थे, किस तरह से हमारे धरने हुए, किस तरह से हमारे प्रोटेस्ट हुए, पर प्रदेश सरकार का एक भी नुमाइंदा हमारे पास ना आकर हमारी समस्याओं को ना सुनकर इतनी हमारी अनदेखी करना विद्यार्थी परिषद के लिए नहीं बल्कि सभी आम छात्रों की अवहेलना करना है। इसलिए आज हमने अपने जो धरने को, अपने प्रोटेस्ट को एक अलग रूप में भैंस को यहाँ पर लाकर भैंस के आगे बीन बजाने की जो हम बात कहते हैं, जो हम व्यथा कहते हैं, उसको सच करके दिखाया है। क्योंकि ये हमारा भी यही हाल हो चुका है इन दिनों में कि हम अपने प्रदेश सरकार को, अपने केंद्र सरकार को हर रोज़ धरनों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने भूख हड़ताल के माध्यम से जगाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हमारी ना केंद्र की सरकार ना हमारी जो हमारी प्रदेश की सरकार है वो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण करने में अग्रसर नहीं हो रही है। इसलिए आज हमें इस तरह का आंदोलन करना पड़ा है और आगामी देखते हैं हम आगामी आने वाले दिनों में विद्यार्थी परिषद इससे भी उग्र आंदोलन करने वाली है। अगर वो जल्द से जल्द हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो स्थायी परिसर के निर्माण की मांग है उसको वो पूरा नहीं करते हैं तो विद्यार्थी परिषद इससे भी बड़ा कदम उठा के उग्र आंदोलन करने में अग्रसर रहेगी, वह किसी भी बाधित कार्य से डरेगी नहीं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।